जकात का सिस्टम यह है कि जकात लेने वाले को नहीं आना चाहिए। बहुत अहम बात मैं ये कह रहा हूं, जकात देने वाले को घर घर जाना चाहिए। जकात लेने वाला जब आता है तो वो तो उसको तो जिल्लत उठानी पड़ती है, और जकात देने वाले के अंदर तकब्बुर आ सकता है। लेकिन जब हम जकात लेके तलाश करने जाएंगे और चुपके से उसको पेश करेंगे तो उसको जिल्लत भी नहीं उठानी पड़ेगी और हमारे अंदर तकब्बुर भी नहीं आएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम सब की माँ, उन्होंने अपने भांजे उरवा को बुलाया, कहा बेटा ये ज़रा कुछ दिरहम दीनार ले जाओ और फलां साहब को दिया, उस जगह रहते हैं। मगर दो एक बात का ख्याल रखना, एक तो उनके हाथ में मत देना, वो जिस पलंग पर लेटे हों या चटाई पर लेटे हों वहीं रख देना, और न मेरा सलाम कहना न मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना, बस दे के चले, वो बहुत नेक इंसान है, जाओ। चले गए हजरत उरवा, देकर वापस आए। वापस आकर क्या खाला जान, उस वक्त तो मैंने कुछ पूछा नहीं, अगर कोई हर्ज ना हो तो अब बता दीजिए कि ये आपने क्यों कहा कि सलाम भी मत कहना, दुआ भी के लिए भी मत कहना और हाथ में मत देना। मतलब बेटा देखो बात ये है कि अगर सलाम में कहलवाती तो वो जवाब दिलवाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नेकी का कुछ बदला उनसे भी लेना चाहती थी। अगर मैं दुआ करवाती तो उसमें भी यही मुश्किल मसला था, दुआई की शक्ल में उनसे कुछ बदला ले लूँ, और अगर हाथ में दिलवाती तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता उनका हाथ नीचे होता, उनका दिल टूट जाता कि अल्लाह मेरा हाथ कब तक नीचे रहेगा, और तुम्हारा हाथ ऊपर होता तो तुम्हारे अंदर कुछ और आ सकता था। ये है सिस्टम इस्लाम में खर्च करने का।